ये देखिए हैंगिंग ब्रिज है। कैमूर का जो मुख्यालय है भभुआ, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह करकटगढ़ स्थान है। यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब बनाया गया था जो कि अब सूख गया, इसके अंदर पानी नहीं है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल मगरमच्छ 2 रखे गए हैं। ये चल रहे हैं झरने के पास। झरने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए एक हट बनाया गया है। वॉशरूम है, बांस का बेंच बनाया गया है, बांस का डस्टबिन बनाया गया है। काफी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाया गया है। झरने के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह से छोटा सा तालाब बनाया गया है और इस तरफ है यहाँ का वाटरफॉल जो कि काफी अच्छा लग रहा है। करकटगढ़ यहाँ पर लिखा गया है और घास से छुप चुका है। हालांकि हम लोग इसको देख लिए लेकिन घास बहुत बड़ी हो चुकी है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। और इधर है यहाँ का वाटरफॉल, काफी बड़ा वाटरफॉल है। यहाँ पे इस तरह से 2 हट बनाया गया है और छायेदार जगह। एक तालाब है छोटा सा, मगरमच्छ की स्टैचू है। और ये है यहाँ का झरना, काफी सुंदर लग रहा है। और कितना तेज वाटरफॉल यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। इस साल पहली बार हम लोग को इतना तेज वाटरफॉल देखने को मिला है, पहली बार बहुत दिन के बाद। और यहाँ से आप आएंगे तो इस तरफ वाटरफॉल है और यहाँ जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, आना जाना रोक दिया गया है। लेकिन देखते हैं करकटगढ़ में यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, देखते हैं। हालांकि ये काफ़ी पुराना होगा लेकिन इस पे उपयुक्त की गई जो लकड़ियाँ होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जो सड़ती नहीं हैं। तो हम चल रहे हैं और इसको हालांकि रोका गया है, बंद किया गया है, झूला की तरह काफ़ी ये झूल रहा है। और किनारे किनारे ये इस तरह से घेरा गया था और ये मजबूत छड़ से बांधा गया है। हालांकि इसके नीचे ये जो पटरे हैं ये टूट चुके हैं तो ये खतरनाक तो है ही, लेकिन इसकी मजबूती अभी तक कायम है क्योंकि यह जंजीरों के ऊपर रखा गया है। इसको रोक दिया गया है, इस पर प्रवेश वर्जित है। काफी सावधानी से हम चल रहे हैं। बारिश का जो पानी है इधर से होके तो इसके नीचे से ऐसे गुजरता है। खाई को पार करने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, काफी एडवेंचरस है। और अपनी वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा है ये हैंगिंग ब्रिज, इसको संरक्षित करके इसको मरम्मत करके सही कर देना चाहिए। और एरिया बनाया गया है कि आपको उस तरफ नहीं जाना है, इसलिए रस्सी से उसको बांधा गया है। इस तरफ काफ़ी एकदम साफ सुथरा ये जगह है, जैसे लग रहा है कि झाड़ू लगाया है कोई। यहाँ से झरना एकदम स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा के लिए रस्सी लगाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और आपसे गुजारिश है कि जो रस्सी है इससे पार न हो। और इस तरफ से आप यहाँ से इस झरने को देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट खाई है। और इसके बाद जाने का मतलब बारिश का समय है, आदमी खिसक सकता है, फिसल सकता है, इसलिए काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं और ये है अपना करकटगढ़ का वाटरफॉल। और ये काफ़ी सुंदर जगह है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ये जो करकटगढ़ का झरना है काफ़ी सुंदर है और हिडन प्लेस है, जंगलों के बीच में काफ़ी सुरक्षित जगह है। और यहाँ पर आप देखने के लिए दोस्तों के साथ परिवार बना सकते हैं। रेलिंग वगैरह लगाया गया है, झूले लगाए गए हैं और यहाँ पे एडवेंचरस प्लेस है। इस तरफ हैंगिंग ब्रिज है,
जो रोप के सहारे बनाया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम गुजारिश कर रहे हैं जो बिहार सरकार है कि उसको सही कर दिया जाए, और काफ़ी अच्छी जगह है। और इस तरफ है झरना, 35 मीटर की ऊंचाई से यह झरना गिर रहा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी ये जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। इस जलाशय के अंदर 25 से 30 मगरमच्छ बताए जाते हैं कि यहाँ पर उनका आश्रय है, यहाँ पर रहते हैं। ये कर्मनाशा नदी के ऊपर बना हुआ यह वाटरफॉल है। यहाँ पर आपको गार्डन मिलेगा, झूला उला बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हैं, सुंदर सा वाटरफॉल आपको दिखा दिया गया। और यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज भी है जो कि काफ़ी जीड़ सीड़ कंडीशन में है। इस तरह से ये देखिए हैंगिंग ब्रिज है ये, और ये रोप इस तरह से हिल रहा है तेज़ी से। ये काफ़ी मजबूत, ये जो लोहे का ये स्टील का रोप है, और इस पर नीचे से और ऊपर से ये ऊपर भी रोप लगाई गई है, यहाँ भी है, और ये जो पटरे हैं इसके नीचे भी 2-3 रोप लगाया गया है, तो काफ़ी मजबूत है। बस ये देख रेख सही ढंग से नहीं है, इसलिए इसकी जो साइड की रेलिंग है टूट गई है। तो वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको सही करवा दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जगह है, सरकार ने इस पर खर्च किया हुआ है और लोग आते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकें अच्छे से, डरे ना। तो हम लोग चल रहे हैं इस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ दिखा दिया, इस करकटगढ़ जो स्थान है यहाँ का, और काफ़ी सुंदर ये नेचुरल प्लेस है, यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं। ये हैंगिंग ब्रिज है जिस पर हम चल रहे हैं, एक हैंगिंग ब्रिज बिहार के अंदर जो राजगीर है वहाँ पर बहुत बड़ा हैंगिंग ब्रिज है जो काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि यह तो एक छोटी सी खाई को पार करने के लिए बनाया गया है। इसके नीचे हमें लग रहा है 10-12 फीट की ऊंचाई होगी, लेकिन ये अच्छी जगह है। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बिहार टूरिज़्म में यह काफ़ी सुंदर जगह है और मात्र 5 रुपये यहाँ का टिकट है, तो काफ़ी ही अच्छा जगह है। और बिहार सरकार टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम करती है, अलग अलग हिस्से में जाने के बाद पता चलता है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।